फाइंडिंग माई ओन बिजनेस यूट्यूब के वीडियोस देख रही थी मैं, पता नहीं क्यों मेरे रिकमेंडेशन में ये वाली वीडियो आ गई और ना जाने क्यों मैंने वो वीडियो देख लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की जानने के लिए कि उस देश के टिकटॉकर्स कैसे हैं। आई डोंट वांट टू इंसल्ट और रोस्ट एनी टिकटॉकर, बट चाहे कि पाकिस्तान में भी बहुत फेमस टिकटॉकर्स है पर हम शायद उन्हें जानते नहीं, बट आई डिडंट नो अबाउट दिस गाय। तो इस इंसान से मुझे हमारी सनी लियोनी की सिमिलैरिटीज दिखती है। तो हिज नेम इज एलेक्स बाजी, बाजी बाजी मतलब बहन होता है ना, या एनीवेज। सो आई सर्च ऑन यूट्यूब और मुझे पता चला कि इसका असली नाम एलेक्स भाटी है। आई वॉच फ्यू ऑफ हिज वीडियोस और पता नहीं क्यों आई एम नॉट शॉक्ड एट ऑल, क्योंकि टिकटॉक पे लोग ऐसे वीडियोस पोस्ट करते हैं। आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू दिस शिट। अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक आ रहा है ना, तो हमारे घर के पास कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन होता है ना, बहुत लोग एक साथ आके भगवान का नाम जप करते हैं पता नहीं, और माइक लगा देता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोग माइक क्यों लगाते हैं, तुम लोग करो ना, हमें नहीं सुनना। About his personality or sexuality, मेरे खुद की personality feminine नहीं है, so who am I to judge? तो हम इसके हर एक एक वीडियो का निरीक्षण नहीं करेंगे। Just one thing that caught my attention is ये अपने बालों को बहुत फ्लेक्स करता है। पोंटे मेरे पाल दा। बाल बड़े खूबसूरत है यार, इतने सालों में मेरे बाल इतने खूबसूरत कभी नहीं हुए। What? Having a beautiful hair is not a joke, okay? पोंटे मेरे पाल दा। और लॉन्ग हेयर मतलब वो एक गर्ली टाइप की थिंग हो गई ना, और अगर तुम्हें लगता है कि हर लंबे बालों वाला लड़का लड़की जैसे दिखते हैं तो इसके भी लंबे बाल है और बियर्ड है, और इसके भी लंबे बाल और बियर्ड है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मे बी जस्ट लुक्स पे। अगर तुम इसके टिकटॉक वीडियोस नहीं देखते हो और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मतलब यू विल नॉट थिंक ऑफ हिम एज गर्ली आई थिंक। मे बी बिकॉज इज टू थिन, दिस इज द प्रॉब्लम। यस दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं भैया, आप भी मोटे हो जाओगे, डोंट पैनिक, हम आपके सपोर्टर हैं यहाँ पे, हम आपके लिए चीयर कर रहे हैं। अपने बाल कटवा दिए, सो ही इज लुकिंग लाइक अ नॉर्मल गाय नाउ। अब तो अग्री करो, ही इज लुकिंग लाइक अ नॉर्मल गाय, बट आई थिंक ही इज लुकिंग लाइक एन ई बॉय विद बियर्ड। एंड फॉर दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट एन ई बॉय इज, बेसिकली अ बॉय हु इज अवेलेबल ओनली ऑन इंटरनेट, मतलब रियलिटी में भी है पर तुम जानते नहीं उस रियलिटी में। सो या अपना बॉडी, अपना फेस, अपना आंख, नाक, दांत, मुंह सब फ्लेक्स करना होता है। They will pretend like, oh no, I'm not handsome, I'm so ugly, oh. कि वो लोग ऐसे कमेंट्स पढ़ सके, oh no, you're the most handsome guy I have ever seen. खुद को अगली मत कहो, no. पर क्या करें, भगवान ने हमें बनाया ही बदसूरत है, तो हम तो फ्लेक्स कर नहीं सकते, तो हम इन्हें देख लेते हैं। As an example, they know that they have a perfect nose. Like my nose is like a pig's. I'm really jealous of people who have good looking nose. ऐसे नाक होते हैं ना बहुत पतले से, थोड़े लंबे से, बहुत अच्छे दिखते हैं वो नाक, तो I'm really jealous of them, you can say. इन लोगों को ना अपने बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्स करना है, मतलब तुम उन्हें पता है कि वो अच्छे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके नाक अच्छे हैं, तो उन्हें फ्लेक्स करना है, पर वो डायरेक्टली फ्लेक्स नहीं करेंगे कि देखो देखो मेरा नाक कितना सुंदर है, तो करेंगे क्या, ओ नो आई हैव द बैड यू अगलीस्ट नोज इन द वर्ल्ड, ताकि लोग कमेंट करेंगे नहीं तुम्हारा नाक कितना अच्छा है, मेरा नाक तो फुद्दू है बिल्कुल सुअर की तरह। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस से, पर अगर किसी ने कह दिया हाँ तुमने सच ही कहा तुम्हारा नाक बिल्कुल फुद्दू है, तो फिर लोग उस पर कमेंट करना शुरू कर देंगे तुम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन चाहिए, तुम नेगेटिव रिएक्शन के लिए तैयार नहीं हो। सेलिब्रिटीज के जो फैंडम है वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, मतलब अगर कोई बंदा या बंदी उसके अगेंस्ट कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ कह देते हैं ना, सारे उस पर एक साथ चढ़ जाते हैं, मतलब तुम कैसे है कि ये कह सकते हो, ये हो ही नहीं सकता, यू आर रॉन्ग, एग्जिस्टेंस इज रॉन्ग। या यू शुड सपोर्ट योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और व्हाटएवर, पर यार उसने भी इतना बुरा कुछ कहा नहीं है वैसे, है ना। तो हम ई बॉयज की बीचिंग बाद में करेंगे, वी वर ऑन एलेक्स। पास गर्लफ्रेंड है, तुम लोगों के पास है क्या? नहीं है। नाउ यू कांट से दैट इज गर्ली, यू लूज योर स्टूपिड।
यही वीडियो का तो वेट कर रही थी मैं अभी तक। टिकटॉकर होकर क्या तुम गाड़ी में वीडियो नहीं बनाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मे बी आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो बाय, पीस।